क्या तुम्हें ऐसा आता है कभी मन में कि कश्मीर जैसा हमें भी प्रदेश छोड़ना पड़े? इतने भी प्रेत जहाँ हम गौशाला बनी है आप लोग वहाँ पर एक रहें। Yeah.
ये जो धरती है जहाँ पर लोग रोते हुए आते हैं यहाँ से हंसते हुए जाते हैं, ये जो धरती है जहाँ पर स्वयं श्री बालाजी महाराज विराजमान है जिन्होंने सनातन धर्म के पताका को भारत के कोने कोने में तो ठीक है विदेशों की धरती में भी लहराया है। चरणों में आप आए हैं, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम लोग भी खाली हाथ नहीं जाओ। भैया और बालाजी को पाने के लिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बालाजी को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। इनके चरणों से हंसते हुए जाते हैं, इस नियम का पालन तो करना ही पड़ता। आप तुम सोचो कि हम नियम को पालन न करें, छह दिन पिए तो क्या अपने करें, जो हनुमान ज्ञान गुण सागर भूल ठगी के भाई हनुमान जी घर के करता है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके जो भी साधक बागेश्वर धाम की पेशी करेगा बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जाएगी, लाखों लोगों की बिगड़ी बनी। एक बात और सुनो कान खोलकर, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का हमारा भैया करना चाहिए, कथा पता फटली के लगे नहीं चले आओ, न कथा आदि के लगे तो उनका ही चले आप तो का विचार है नेचर मारने का काले का तो आए न कथा तो तुम ये फटली लड़े कान बुला देगी। हमारा उद्देश्य केवल दरबार की अर्जी लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है इस भारत में आप लोगों को तांत्रिक के चक्र में ना पड़ना पड़े।
नहीं पाएगा उससे, यहीं पर खड़े रहो ठीक है, वाले निकल बुधवार को भी काम लिखे जा रहे हैं तो काम पर रहे हैं। आप लोग वहां पर एक चोरों से ही सतर्क हो गए हैं क्योंकि ऐसा आगे करते क्या क्या पता आपके बीच नहीं हो तो क्या करके एक लाइन बना लो। आप लोगों से निवेदन है आपको बगीचे नहीं मिले होंगे जो भी वो आपको सभी तक देख रहे हैं लोग
भी बनाना आप जगह बन गया है। किससे? हमसे? कौन हो तुम्हारी मम्मा? ये तो पागल है तुम्हारी मम्मा। राखी बनवा दो। तैयारी तेज करो, तय है, खुश हो जाओ। कहो तो पेशी खिलाने पर्चा दे दो। बढ़ जाओ दोनों। अभी दुश्मन भी पीछे लगे हैं, रुक के कर लो 3 महीने। आज्ञा ठीक बहन, जाओ। राधे राधे बहन, चलिए चश्मा लगाए हुए पागलो सीताराम। अभी तो बोला था गुरुजी।
आलम लगे वो माले वो सुन ले वो कहाँ से आए भैया? जज्जर हरियाणा पहली बार आए? ऐसी करो पाओ बोलिए क्या बात है? किसने की है पिटाई भाई? उसके साले मतलब तुम्हारे साले साहब को कहते हाँ ऐसे प्रश्न आए। आपने पर्चे में लगभग 7 प्रश्न लिख रखे हैं, ठीक है? ओम ओम करके 7 प्रश्न आपने लिख रखे अपने पर्चे में। परिवार में सुख शांति नहीं है, भयंकर क्लेश मचा हुआ है, पत्नी के कारण पूरा क्लेश है। पत्नी बहुत विचित्र है, साले आदि आए थे, उपद्रव करके गए हैं, मारपीट करके गए हैं, द्वंद बना करके गए हैं। हिटलर शाही शासन चलाना चाहती है, अलग रहना चाहती है, अलग रह करके अपने मायके पक्ष को धन देना चाहती है, जिस कारण से आपके घर में महाभारत खड़ी हुई। पिता को शक्कर का रोग, माता जी भी बीमार, घर में द्वंद बना हुआ। आगे चल करके अलग रह सको तो उसके साथ रहे, वरना जय सिया राम। उसको सुधारना नहीं है क्योंकि वो बहुत स्वतंत्र है। एक दूसरी बात, उसकी फैमिली बहुत खतरनाक है। तीसरी बात, वो लोग नीचता में सबसे ज्यादा निचले स्तर पर गिरते हैं। रोना बंद करो, बात सही एकदम बेटा, कोई संदेह? अब तुम बताओ हम इसमें से कौन सी अर्जी लगाएं? अलग वाली लगवा दें? उसके लिए भी वो रेडी नहीं है, पूरी फैमिली उनकी तैयार नहीं है। एक उपाय है, अभी आपको 7 महीना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अभी तो वो है, मतलब वही मायके में है, उसको भी कोई लेना देना नहीं है। अभी उसके यहां से भी कोई संदेशा नहीं आया। गुरुजी का कहना है कि 7 महीना आप डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा उसे समझ में आएगी मायके की रोटी के बारे में। भगवान ने चाहा तो अलग होने की नौबत नहीं आएगी, आशीर्वाद है। उसकी ही बुद्धि को सुधरवाया जाएगा। ओके, पिताजी को लाना है, हम झाड़ा लगा देंगे। माँ का स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब है, माँ पे भी कृपा हो जाए है, तुम्हारी भी बुद्धि ठीक रहे है, तुम्हारी लुगाई सुधर जाए है। रोना बालाजी का, बालाजी के चरण पकड़ो, ठीक आशीर्वाद है। अपने काम कही का जो टोपी लगाए दादाजी हैं आप, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। अरे पागलो सीताराम, धूप लग रही, चलो शरीर सिकेगा, मजबूत बनेगा शरीर। आओ बोलो, नहीं लग रही बेटा, हम तो कह रहे तुम तो तपो अंगीठी जला लो बेटा, ठंडी लग रही हो तो कंडा की अंगीठी जला लो लाला।
कहाँ से आए, पहली बार आए, दो साल से आ रहे हैं, वाह आज अर्जी लगी। लगातार आते रहे, बताओ समाधान क्या चाहते, कितने आलिए रहो, आप ही बताओ ये कितने हैं, तुम बताओ कितने हैं। हमारे पास आपके टोटल 14 लाख का कर्जा है, और कुछ जानना है? आओ आओ, क्या जानना है पढ़िए। कर्जा बना, दबाव बहुत ज्यादा है, 14 लाख से ज्यादा का है, लोग धमकी देते हैं, मारने के लिए बेइज्जती करते हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा, लगातार परेशान है, कोई तंत्र विद्या नहीं है, गलत निर्णयों के कारण कर्जा हुआ है, धीरे धीरे चुक जाएगा, अभी नौकरी है, आप साइड में एक बिजनेस डाल दो, दोनों के प्रभाव से आपका कर्जा चुक जाएगा, तुम बेदाग रहोगे, आशीर्वाद है। काम तो डालना पड़ेगा, केवल नौकरी भर से कर्जा नहीं चुक पाएगा, थोड़ा थोड़ा सा कोई बेबी है, रानी है, पत्नी भी है, रानी, हम व्यापार के लिए तुम्हें कोई बीच का रास्ता बताएं बाद में। बोलो जय सियाराम। चलो जो चश्मा लगाए हुए टी शर्ट वाला वाला साधु जी, कहां से आए, पहली बार आए, बोलिए क्या समाधान चाहते आप, हाँ उसकी तबीयत खराब थी और बताओ, बालाजी की भक्ति आपका एक बालक मानसिक स्थिति के कारण खत्म हुआ है, स्वास्थ्य आपका भी ठीक नहीं, जिसके परिक्रमा रह गए परिक्रमा कर लो, प्रसाद पाने वाले प्रसाद पा लो, छाया में रहे, शाम के समय आगे का क्रम होगा, भभूति दरबार जो भी आज्ञा लगेगी।
जानकारी दे, भैया ये लड्डू ले लेना घर के बने लाई माता जी, लड्डू ले लेना ये घर का बना प्रसाद है। हाँ जिन प्रेत बाधा वालों ने मुट्ठी बांध ली, चलो सेनापति आ जितने भी प्रेत रोगी हैं चमीटा की माल लगाई जाए। गुरुजी और चमीटा की माल लगाई जाए। कैसे हो? ठीक हो परिवार? नारियल बांध जाओ तुम, जाओ तुम अय्यर जी लग जाओ बेटा। हनुमान जी बालाजी जय जय कर। लेकिन भैया बागेश्वर बालाजी ने हमारी बिगड़ी बनाई, हमें भरोसा है जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। उन्होंने सबकी अर्जी सुनी, जाओ तुम्हारी भी वो अर्जी सुनेंगे। लेकिन नियम का पालन तो लहसुन प्याज मांस मंगरा करके पेशी तो करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम बागेश्वर धाम। एक बात और, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आप दरबार क्यों लगाते। हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाला समाज है वो किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। हनुमान जी के चक्कर में अगर आप पड़ जाओगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों को भी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। आप इनकी कृपा को पा जाओगे तो भैया तुम्हें जगह जगह दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, अपनी हंसी नहीं करवानी पड़ेगी। हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी आंखों में आंसू न आए, हमारा उद्देश्य है तुम्हें एक ऐसा उपाय प्राप्त होगा जिसके पाते ही तुम्हारी जिंदगी के हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। जय सियाराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बाबा गुरु की, गीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दरबार की। तुम चाहते हो कि तुम पर बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है कि जीवन में हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहे? कौन कौन चाहता है कि तुम्हें किसी भी दरबारों में न जाना पड़े? कच्चा की पक्का। कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी हसी परिवार वाले न उड़ाए? पक्का। हाथ नीचे कर लो। सुनो एक उपाय है, पूछो क्या? तीन बातें मानोगे मानी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो महान नालायक आदमी है, हम पर दबाव आदमी है, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है। जो भी सुनता है भैया हमारा बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। किसके चक्कर में पड़े? दूसरी साइड, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देंगे। और तीसरी सर, जब भी उनके सामने जाया करो तो हमारे भैया इतना भर कर लो जाओ, तो मैं परसों बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो,
बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे दादा गुरुजी, हे दादा गुरुजी, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी हमारी अर्जी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, हमारे घर सेना भेजो, सेना भेजो, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपना पर्स मोबाइल और सोना चांदी सुरक्षित रखियो कि तुम अर्जी लगाओ पीछे से जय बजरंग। अब मनी मन प्रणाम करके हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, हनुमते नमः, सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को। अब जो भी अर्जी लेकर आए हो तीन बार बोल दो, ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी हमारी यह अर्जी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करना, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना, आपके अलावा कोई नहीं है, आपके अलावा कोई नहीं है, वचन देते हैं, वचन देते हैं, जीवन भर, जीवन भर आपके आपके चरणों से, चरणों से, धाम से, धाम से, दरबार से, दरबार से जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु परंतु हमारी हमारी अर्जी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से सात बार उतारा कर लो, बालाजी की तरफ छोड़ दो,